दोस्तों, अगर आप भी बांग्लादेश के खिलाफ पहला टेस्ट मैच देखने के लिए उत्साहित हैं तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें। दोस्तों, बांग्लादेश को रोकने के लिए चेन्नई के मैदान पर कप्तान रोहित शर्मा ने अपनी सेना के साथ रख दिए हैं कदम। टॉस जीत कर शुरुआत हो चुकी है भारतीय टीम की बल्लेबाजी की। कौन पहुँच गया है अपने शतक के करीब? रोहित शर्मा ने बनाए कितने रन? क्या चल रहा है मैच का स्कोर? ये सब हम आपको इस वीडियो में लाइव दिखाने वाले हैं, तो जानने के लिए वीडियो को पूरा एंड तक ज़रूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले, आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा, विराट कोहली और ऋषभ पंत में से कौन है खतरनाक खिलाड़ी? अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर दीजिएगा। दोस्तों, जैसा कि आपको पता है, भारत और श्रीलंका के बीच हाल ही में T20 और वनडे सीरीज़ खेली गई थी, जहां पर भारतीय टीम ने श्रीलंका को T20 सीरीज़ में तो बुरी तरह से हराया था, लेकिन श्रीलंका की टीम ने वनडे सीरीज़ के अंदर भारतीय टीम से अपना बदला ले लिया और भारतीय टीम को बेहतर प्रदर्शन करने के बाद भी मिली हार के बाद सोचने पर मजबूर कर दिया। तो वहीं अब भारतीय टीम श्रीलंका से मिली करारी हार का बदला लेने के लिए बांग्लादेश को अपना निशाना बनाने के लिए तैयार है। आपको बता दें, भारतीय टीम बांग्लादेश के खिलाफ दो मैच की टेस्ट सीरीज खेल रही है, जिसका पहला मैच फिलहाल खेला जा रहा है। इसकी लाइव स्ट्रीमिंग के बारे में बात करें तो आप टेलीविज़न पर इसका मैच स्टार स्पोर्ट्स नेटवर्क पर देख सकते हैं, तो वहीं आप ऑनलाइन स्ट्रीमिंग में भी इसका लाइव प्रसारण जियो सिनेमा ऐप पर देख सकते हैं, जिसमें हिंदी, तेलुगु, मलयालम, बंगाली भाषाओं के साथ कई बड़ी भाषाओं में मैच का लाइव प्रसारण किया जा रहा है। दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच इस सीरीज़ के मैच के बारे में जानने से पहले दोनों टीम के बीच हेड टू हेड मुकाबले के बारे में जान लीजिए तो बेहतर है, जहां पर दोनों टीमों के बीच में अभी तक कुल मिलाकर 13 टेस्ट मैच खेले गए हैं। इस बीच भारतीय टीम को 10 मैच में जीत मिली है, तो वहीं 2 मैच ड्रॉ रहे हैं और यहाँ पर बांग्लादेश की टीम एक भी मैच को नहीं जीत पाई है। हालांकि भारतीय सरजमीं पर 5 मैच खेले गए, जिसमें 3 मैच में भारत को जीत मिली है, तो वहीं 2 मैच ड्रॉ रहे हैं। ऐसे में यहाँ पर तो भारतीय टीम का पालन पूरी तरीके से भारी दिखाई दे रहा है और यहाँ पर साफ तौर पर स्पष्ट दिख रहा है कि बांग्लादेश की टीम को यहाँ जीत दर्ज करने के लिए काफ़ी ज़्यादा मेहनत करने की आवश्यकता है। इस दौरान इस सीरीज़ में भारतीय टीम की कप्तानी रोहित शर्मा करते हुए दिखने वाले हैं। वहीं बांग्लादेश की टीम की कप्तानी नजमुल संतो के हाथों में अब दे दी गई है। बांग्लादेश के कप्तान बनने के बाद नजमुल संतो भारतीय टीम को टेस्ट सीरीज़ में हराने के लिए पूरी तैयारी कर चुके हैं, लेकिन यहां पर भारतीय टीम को हराना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल होगा, क्योंकि इस मैच के बारे में बात करें तो भारतीय टीम की तरफ से ओपनिंग करने के लिए कप्तान रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल की सलाम पर 250 से 300 रन बनाने का कार्य करना चाहेगी, जिसके चलते भारतीय टीम को मजबूती मिल सकती है। तो दोस्तों, दोनों टीम की प्लेइंग 11 के बारे में बात करें तो बांग्लादेश की टीम की तरफ से ओपनिंग करने के लिए लिटन दास और कप्तान नजमुल संतो मैदान पर खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं, तो वहीं इनका साथ देने के लिए मध्य क्रम में विकेटकीपर जाकिर हसन, मोमिनुल हक, शादमान इस्लाम के साथ मुस्फिकुर रहीम को खेलने का मौका मिल सकता है, तो वहीं ऑलराउंडर के तौर पर मेहंदी हसन और साकिब अल हसन को खेलने का मौका अब मिल सकता है। इतना ही नहीं, तेज़ गेंदबाज के तौर पर सारी फुल इस्लाम और तस्कीन अहमद खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं, तो वहीं स्पिनर के तौर पर ताइजुल इस्लाम और हसन महमूद खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। इसके अलावा भारतीय टीम की प्लेइंग 11 के बारे में बात करें तो भारत की तरफ से कप्तान रोहित शर्मा और यशस्वी जायसवाल की सलामी जोड़ी मैदान पर उतरती हुई दिखाई देने वाली है। इसके अलावा इनका साथ देने के लिए तीसरे नंबर पर शुभमन गिल खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं, तो वहीं 4 नंबर पर विराट कोहली की लंबे समय के बाद टेस्ट में वापसी होती हुई दिखाई दे रही है। इसके अलावा इनका साथ देने के लिए मध्य क्रम में केएल राहुल को शामिल किया गया है, जो विकेट कीपर की भूमिका भी निभा सकते हैं, लेकिन अब विकेट कीपर के तौर पर टीम के अंदर ऋषभ पंत की वापसी होती हुई दिखाई दे रही है, जो लंबे समय के बाद सड़क हादसे से पीड़ित होते हुए वापसी करने के साथ टीम के अंदर अपनी जगह फिर से पक्की कर चुके हैं। ऐसे में ऋषभ पंत के विकेट कीपर बल्लेबाज के तौर पर खेलने की स्पष्टी हो चुकी है। इसके अलावा इनका साथ देने के लिए अब ऑलराउंडर के तौर पर रविंद्र जडेजा और रविचंद्र अश्विन को खेलने का मौका मिलने वाला है, जो बेहतरीन गेंदबाजी के साथ बेहतरीन बल्लेबाजी करते हुए दिखाई दे सकते हैं। इतना ही नहीं, इन दोनों खिलाड़ियों के ऊपर स्पिन गेंदबाजी की भी जिम्मेदारी अब रहेगी। इसके अलावा इनका साथ देने के लिए तेज गेंदबाज के तौर पर मोहम्मद सिराज और जसप्रीत बुमराह को खेलने का मौका मिलने वाला है, तो वहीं मुख्य स्पिन गेंदबाज के तौर पर कुलदीप यादव खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं। ऐसे में भारत से देखने को मिल सकता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, भारतीय
टीम टेस्ट सीरीज को अपने नाम कर पाएगी या नहीं। अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में ज़रूर दें और ऐसी शानदार खबरों के लिए चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद। खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए बीसीसीआई ने किया भारतीय टीम का ऐलान। टीम के अंदर बड़े बदलाव करते हुए कर दिया करोड़ों देशवासियों को हैरान। जी हाँ दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच टेस्ट और टी20 सीरीज खेली जाने वाली है। ऐसे में टेस्ट सीरीज के शुरू होने से पहले बीसीसीआई ने भारतीय टीम की प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है। इस दौरान उन्होंने टीम के अंदर कुछ ऐसे बड़े बदलाव कर दिए हैं जिन्हें देखकर आपकी भी आंखें फटी की फटी रह जाएंगी। तो आखिरकार बांग्लादेश के खिलाफ टेस्ट सीरीज के लिए भारतीय टीम की प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, ये तो आपको बताएंगे ही, साथ ही साथ पूरी 11 के बारे में भी हम आपको बताने वाले हैं। तो जानने के लिए इस वीडियो को पूरा एंड तक जरूर देखिएगा। लेकिन उससे पहले आपको क्या लगता है, रोहित शर्मा और विराट कोहली में कौन है महान बल्लेबाज? अपनी राय हमें नीचे गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें। दोस्तों, जैसा कि आप सभी को पता है, भारत और श्रीलंका के बीच टी20 सीरीज के समापन के बाद भारत और बांग्लादेश के बीच सीरीज खेली जाने वाली है। इस सीरीज के लिए दोनों टीमें पूरी तरीके से तैयार हैं। आपको बता दें, भारत और बांग्लादेश के बीच में 19 सितंबर से 12 अक्टूबर तक टेस्ट और टी20 सीरीज खेली जाने वाली है। इस बीच 19 सितंबर से दो टेस्ट मैच की सीरीज के लिए बांग्लादेश की टीम भारत के मैदान पर खेलने के लिए आएगी। ऐसे में सीरीज के लिए बीसीसीआई ने अभी से टीम का ऐलान कर दिया है और टीम के अंदर कुछ बड़े बदलाव प्लेइंग 11 किए हैं। दरअसल बांग्लादेश के खिलाफ बीसीसीआई ने टेस्ट सीरीज के लिए ओपनिंग करने के लिए रोहित शर्मा को शामिल किया है, जो भारतीय टीम के कप्तान हैं। ऐसे में कप्तान रोहित शर्मा के ऊपर काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन बल्लेबाजी करने के साथ टीम को अपनी कप्तानी से जीत दिलाने की मुख्य जिम्मेदारी रहने वाली है। तो वहीं दूसरी सलामी बल्लेबाज के तौर पर बीसीसीआई ने अब यशस्वी जायसवाल को शामिल किया है, जिन्होंने रोहित शर्मा के साथ में मिलकर काफ़ी ज़्यादा खतरनाक बल्लेबाजी करते हुए टीम को जीत दिलाई थी। ऐसे में अब इनके ऊपर काफ़ी ज़्यादा बेहतरीन प्रदर्शन करने की जिम्मेदारी है। इसके अलावा बीसीसीआई ने तीसरे नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए शुभमन गिल को मौका दिया है, जो अपनी खतरनाक बल्लेबाजी से सभी को प्रभावित करते हुए दिखाई दे सकते हैं। ऐसे में चेतेश्वर पुजारा की जगह पूरी तरीके से शुभमन गिल भारतीय टीम में लेते हुए दिखाई दे रहे हैं। ऐसे में अब इनके बेहतर प्रदर्शन करने से भारतीय टीम को काफी ज्यादा मजबूती मिल सकती है। इसके अलावा इनका साथ देने के लिए बीसीसीआई ने विराट कोहली को शामिल किया है, जो भारतीय टीम के सबसे खतरनाक बल्लेबाज हैं। ऐसे में अब विराट कोहली के ऊपर काफी ज्यादा बेहतरीन प्रदर्शन करने की बड़ी जिम्मेदारी रहने वाली है, क्योंकि विराट कोहली अब अपने सबसे बेहतरीन फॉर्मेट में जरूरी टीम को परेशान करने के लिए लंबे समय के बाद मैदान पर उतरेंगे। इसके अलावा बीसीसीआई ने पांचवें नंबर पर बल्लेबाजी करने के लिए केएल राहुल को शामिल किया है, जो भारतीय टीम के लिए विकेट कीपर की भूमिका भी निभा सकते हैं। हालांकि यहां केएल राहुल को सिर्फ बल्लेबाज के तौर पर शामिल किया जाएगा, बल्कि उनके साथ देने के लिए विकेट कीपर के तौर पर बीसीसीआई ने अब ऋषभ पंत की बड़ी वापसी कराई है, जो सड़क हादसे से उभर जाने के बाद लंबे समय के बाद में भारतीय टीम में कदम रखते हुए दिखाई देने वाले हैं। तो वहीं ऋषभ पंत के आने से भारतीय टीम के अंदर भी अब वेज बॉल का इफेक्ट देखने को मिलेगा, जो अपनी काफ़ी खतरनाक बल्लेबाजी के जरिए टीम को जीत दिलाने का कार्य कर सकते हैं। इसके अलावा इनका साथ देने के लिए भारतीय टीम की तरफ से बीसीसीआई ने ऑलराउंडर रविचंद्र अश्विन को शामिल किया है, जो भारतीय टीम के सबसे खतरनाक ऑलराउंडर हैं। अश्विन अब अपनी शानदार गेंदबाजी के साथ में ज़बरदस्त बल्लेबाजी के जरिए विरोधी टीम को काफ़ी ज़्यादा परेशान करते हुए दिखाई दे सकते हैं। इतना ही नहीं, इनका साथ देने के लिए रविंद्र जडेजा खेलते हुए दिखाई देने वाले हैं, जो भारतीय टीम के लिए जबरदस्त गेंदबाजी करने के साथ में जबरदस्त बल्लेबाजी करते हुए दिखाई देने वाले हैं। ऐसे में इन दोनों के एक साथ बेहतर प्रदर्शन करने से भारतीय टीम को काफ़ी ज़्यादा फायदा मिल सकता है। इतना ही नहीं, बीसीसीआई ने इनका साथ देने के लिए तेज़ गेंदबाज के तौर पर जसप्रीत बुमराह को सबसे पहले टीम में शामिल कर दिया है। जसप्रीत बुमराह अपनी शानदार गेंदबाजी के जरिए विरोधी टीम को काफ़ी ज़्यादा बुरी तरीके से परेशान करते हुए दिखाई दे सकते हैं। ऐसे में जसप्रीत बुमराह के आने से भारतीय टीम काफ़ी ज़्यादा मजबूत दिखाई दे रही है। इसके अलावा इनका साथ देने के लिए बीसीसीआई ने मोहम्मद सिराज को शामिल किया है, जो भारतीय टीम के लिए काफ़ी ज़्यादा खतरनाक गेंदबाजी करते हुए दिखाई दिए हैं। ऐसे में बांग्लादेश के खिलाफ उनका बेहतर तरीके से प्रदर्शन करना भारतीय टीम के लिए काफ़ी ज़्यादा फायदेमंद भी हो सकता है। इसके अलावा बीसीसीआई ने अंतिम गेंदबाज के तौर पर मोहम्मद शमी को शामिल कर लिया है, जो चोट के चलते लंबे समय से टीम से बाहर हैं, लेकिन अब इस सीरीज़ में वापसी करते हुए दिखाई देने वाले हैं। ऐसे में अब इन 11 तमाम दिग्गज खिलाड़ियों के साथ भारतीय टीम बांग्लादेश को बुरी तरीके से टेस्ट सीरीज़ में हराने के लिए मैदान पर उतरेगी, जिसके चलते भारत को वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप में फ़ायदा मिल सकता है। तो दोस्तों, आपको क्या लगता है, बांग्लादेश के खिलाफ भारतीय टीम को टेस्ट सीरीज में किन खिलाड़ियों के साथ खेलने का मौका मिलेगा? अपनी राय हमें नीचे दिए गए कमेंट बॉक्स में जरूर दें और ऐसी ही शानदार खबरों के लिए हमारे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।
दोस्तों 6 गेंद पर चाहिए थे 20 रन। मैदान पर मौजूद रिंकू सिंह ने एक बार फिर से चमत्कारी पारी खेल भारत को दिलाई शानदार जीत। जी हाँ दोस्तों, भारत और बांग्लादेश के बीच में आज सबसे रोमांचक मैच दूसरे T20 मैच के दूसरे रूप में खेला गया। आज खेले गए दूसरे T20 मुकाबले में रोमांच की सारी हदें तब पार हो गई जब जीत के लिए अंतिम ओवर में 20 रनों की आवश्यकता पड़ी। इस मैच में लक्ष्य का पीछा कर रिंकू सिंह ने अंतिम ओवर में अपने बल्ले से छक्के